करनाल के मंगल कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं द्वारा आज लघु सचिवालय पहुंचकर अपना रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में डिपो होल्डर उनका राशन नहीं देता और राशन का कालाबाजारी करता है। महिलाएं यहां पर जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंची थी। महिलाओं का आरोप है कि कॉलोनी में स्थित डिपो होल्डर ना तो समय पर उनको राशन देता है और फिंगरप्रिंट ना मिलने के बहाने बनाकर उनके चक्कर कटवाता रहता है, जिसके चलते कॉलोनी वासी बड़ी संख्या में परेशान है। तो दर्जन के करीब महिलाओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए और उनको समय पर राशन दिलवाया जाए। यहां हम आपको बता दें कि पिछले दिनों बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे की एक बड़ी खेप पुरानी अनाज मंडी में पकड़ी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आटा बरामद किया गया था और उसके मालिक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगल कॉलोनी की महिलाओं ने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर उनकी अनदेखी कर परेशान कर रहा है। क्या मामला है, किस लिए आए हैं यहाँ? किस आए जी, हमारा राशन हमारे को मिलना चाहिए जी, वो देता नहीं है जी, चार महीने ही है जी। पहले हमारे को राशन देता था जी, थोड़े बहुत दिन कभी दे दे कभी बंद कर दे जी, तो उस दिन के बाद एक थैली आटे की देगी जी। जैसे हम जाते हैं वो कभी आपका गुट्ठा नहीं लगता, कभी कहेगा गवर्नमेंट ने मशीन बंद कर दी जी। ठीक है जी, वहाँ दफ्तर में गई जी, वहाँ भी सारे मिली भगत है, तो एक दफ्तर में बैठे तो साहब उसने कहा भी क्या नाम है, दूसरे ने इशारा कर दिया जैसे आप ये खड़े हैं भाई साहब, ये भी नाम ना पूछा उसका डिपो वाले का जी। मैंने कहा अभी वो टेम्पू भर कर लोड करके जी वो गड्डी और ब्लैक में आटा बेचा जी, हमारे को देता नहीं जी, ये परेशानी है जी हमारे को। क्या नाम है उसका? उसका नाम सत्य प्रकाश है जी, सत्य प्रकाश है जी, मंगल कॉलोनी से आए हैं जी हम। क्या कहता है? क्या कहता है? जो मर्जी करो, अरे हाथ जोड़ा नुका मेरा कर दो, क्या करेंगे नुका, जाओ पापा नुका, हाथ जोड़ा जोड़ा। मिलने आए आज आप? क्या कहता है वो? ये कहता है तुम्हारा नाम कार्ड दिया गया, पीछे से नाम कटता है, राशन नहीं मिलेगा। सरकार सरकार हम गरीब को राशन देते हैं, खा जाते हैं, तीन बेटे हैं मेरा, कोई सामना नहीं रख रहा। मैंने हाथ जोड़ कर मैंने कहा भाई मना आटा दे दे, मना मोल दे दे तो दो थैली, मेरे पास आज नहीं आटा है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास आटा, तो कहने लग गया चल चल यहाँ से। मैंने कहा मैं डीसी के पास जाऊंगी, कहा डीसी के पास तो नहीं जाऊंगा, क्या करावेगी मेरा डीसी के पास है, है? ये मेरे से बोल लिया उसने। तो क्या क्या मांग करने आए हैं आज आप यहाँ पे?